बाकी जो एग्जॉस्ट है ना, इसमें भी चेंज नहीं रखा है क्योंकि बुलेट को ही पहले पकड़ते हैं पुलिस वाले मॉडिफाइड। कि जो ऑयल लीकिंग इशू है रॉयल इनफील्ड का मार्किंग स्टेटरी वाला, वो सारी में ही परमानेंट है, तो उसका कुछ कर। आप हमारा क्लासिक स्टैंडर्ड, ठीक है, जो बहुत टाइम चला आ रहा है, ये कुछ नया आया मार्केट में, ठीक है। Harley Davidson my way or the highway and in the driveway is a nice range cause I grind through the climb I invite pain you never hear me bitch nah I don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient everyone to bhai aaj hai hamare paas classic ki 350 बट आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये नई वाली नहीं है। बट ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये नई वाली बाइक क्यों नहीं है और क्यों ये पहले वाला जनरेशन है। तो गाइस क्या रीज़न है नई वाली क्लासिक ना चूज़ कर, रिबॉन वाली चूज़ ना करके मुझे इसका रिव्यू बनाना है। बिकॉज कि ये गाड़ी है ना भाई कार्बोरेटर वाली वर्जन थी, ठीक है, ये कार्बोरेटर वाली नहीं है, ठीक है, ये AFI वाली है। बट इसी में एक कार्बोरेटर वाला वर्जन भी आता रहा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है भाई आज की डेट में, क्योंकि जो नई वाली रॉयल इनफील्ड आ रही है ना, रियर रिबॉन वाली जितनी भी आ रही, हंटर आ रही, सुपर मीटर आ रही है, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है EFI सिस्टम की। ये गाड़ियाँ मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है, और मैं ये कहना तो नहीं चाहता बट रॉयल इनफील्ड ना भाई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में इतनी अच्छी नहीं है अपनी बाइकों के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स की दिक्कत बहुत सारी रॉयल इनफील्ड्स में आ रही है, अलग अलग मॉडल्स में आ रही है, GTs में आ रही है, मीटियोर्स में आ रही है, ठीक है, और ये क्लासिक्स और स्टैंडर्ड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, रिबॉन वाली के साथ। तो लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी वाली रॉयल इनफील्ड ढूंढ रहे हैं, ऐसी ही शेप वाली, बस उसमें कार्बोरेटर होता है, वो वाली रॉयल इनफील्ड ढूंढ रहे हैं। और सच बता रहा हूँ, वो लोग उस बाइक को 1.5-1.5 लाख से ऊपर की कीमत दे कर खरीद रहे हैं भाई, ठीक है। लगभग ये लगा लो कि अगर 2019 की रॉयल इनफील्ड क्लासिक है या 18 वाली भी मान लो BS4 वाली, ठीक है, वो भी आज की डेट में 1.5 लाख से ऊपर की प्राइसिंग रखती है, क्योंकि उसकी रीसेलिंग वैल्यू इतनी है, क्योंकि उसकी डिमांड हो गई है, क्योंकि उसमें कार्बोरेटर आता रहा, 250 ग्राम पेट्रोल में भी वो गाड़ी चल जाती थी, जो कि भाई बहुत सही चीज़ थी। मेरे जो दोस्त है पीयूष, उसके पास जो थंडरबर्ड है वो भी BS4 है, कार्बोरेटर है, और भाई क्या थंप है उस गाड़ी का, मरते हैं लोगों बाइक लेने के लिए, ठीक है। तो भाई अगला पॉइंट मैं बता दूं इसके बारे में, ठीक है, ये जो है BS4 वाला वर्जन, BS6 वाला वर्जन है, ठीक है, और इसमें कार्बोरेटर नहीं आता, EFI सिस्टम, बट जो कार्बोरेटर वाला वर्जन आता है बहुत ही अच्छा थंप लेके आता है। ये लद्दाख जाने के लिए ना राइडर्स की फेवरेट बाइक है, जितनी भी टूर कंपनी वाला होती है ना भाई इसी बाइक को हायर करती है, तक क्योंकि ये बाइक ना रिलायबल बहुत होती है। बात कर लेते गाइस इसकी प्राइसिंग की, जो रिबॉन आ रही है आज की डेट में ना वो 2.5 लाख रुपए की आ रही है, ठीक है, जो BS4 वाली का मैंने आपको बताई दिया, 1.5 लाख रुपए का आपको बजट बनाने की ज़रूरत है, और सुभाष नगर या करोल बार की मार्केट में जाके आपको एक अच्छी कंडीशन वाली रॉयल इनफील्ड BS4 मिल जाएगी, क्लासिक या स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी डील साबित होने वाली है आपके लिए। और जो नई वाली है ना बुलेट रिबॉन, उसके लुक्स भी इतने अच्छे मेरे को खासा लगते नहीं है, इस वाली के बाइक के बहुत अच्छे लुक्स मेरे को लगते हैं, ठीक है। और जो मेरे भाई हैं जो इसी वाली बाइक को कार्बोरेटर वाली वर्जन में कन्वर्ट करा रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं कि जहाँ से भी इसको कन्वर्ट करा रहे हो ना, अच्छे से करवाना कि एक टी वाला सारी चेंज हो, कार्बोरेटर वाला आपका अच्छा है, कंपनी से आए, ठीक है, सस्ते वाला काम मत कराना, नहीं तो आप NCR बाइकर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, NCR बाइकर उनकी शॉप है खुद की, पेट प्रमोशन नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करके देंगे, 100-200 रुपये ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम भाई सही कराना, ठीक है। और अगली चीज़ आ जाती है गाइस, इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी आती है, आज भी आ रही है, आज भी तो नहीं कहेंगे, रिबॉन में अब अलॉय वाले व्हील दे दिए हैं, इसके अंदर स्पोक्स व्हील आते हैं, बट आफ्टर मार्केट ऑप्शन बहुत हैं, आप लगवा सकते हो, ठीक है, 10-12 हज़ार रुपये के पड़ेंगे, पीयूष वाली बाइक में भी लगे हुए, जिसकी वजह से ना आपकी बाइक ना ट्यूबलेस हो जाती है। पर भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि ये है ना आप अच्छी क्वालिटी के लो, क्योंकि इसके ना बेयरिंग बहुत जल्दी टूट जाते हैं और आपके वॉबलिंग इशू आ सकते हैं, तो आपकी बाइक ट्यूबलेस तो हो जाएगी, बट सस्ते वाला काम मत कराना इसमें, क्योंकि हैवी इंजन है इसका, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से ना बेयरिंग्स कट जाती है इसकी बहुत जल्दी। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस इसके एग्जॉस्ट का, ठीक है, एग्जॉस्ट इसमें स्टॉक लगा हुआ है, मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप बदलवाओ नहीं, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत साउंड चाहिए भाई वो तो बदलवाएगा ही, ठीक है, तो आप बदलवा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर। एग्जॉस्ट इसके भाई आपको लगभग मिल जाएंगे 500 से स्टार्टिंग हो जाती है और ये जाता है 10,000 रुपये तक, डिपेंड करता है आपकी कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो, कौन सी कंपनी का ले रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसका टैंक जो है वो 14 लीटर का है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ, रेंज की बात कर लूँ भाई, तो ये आपको 30-35 के बीच में एवरेज दे देती है हाईवेज पे, ठीक है,
जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज है। इसके लिए लोग मरते हैं भाई इस गाड़ी को लेने के लिए आज भी भाई, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। क्योंकि देखो भाई इतनी सुपर बाइक्स के बीच में आपको ये बाइक दिख रही है तो मतलब कुछ तो है ना इसके अंदर। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो हिमालयन से अच्छी है, तो तभी ये स्पीति चली जाती है, लद्दाख चली जाती है। इसके लिए बहुत ईजी हो जाता है ये काम। मैं आपको स्टैंडर्ड वाली बुलेट भी दिखाता हूँ एक बारी, देख सकते हो गाइस ये वाली स्टैंडर्ड वाली है, ठीक है, स्टैंडर्ड 350। और इसका मडगार्ड और आगे का जो डोम है वो जितने भी शॉकर वगैरह वो थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें भी एलॉय नहीं लगे हुए, ये भी थोड़ी प्रिटी मच न्यू बाइक ही है, पन्नी वन्नी चढ़ी हुई है देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी कार्बोरेटर नहीं है, EFI सिस्टम ही है, बट लुक्स देख सकते हो आप इसकी पर्सनली कमेंट करके। अरे बाप रे कितनी तगड़ी साउंड आ रही है इसकी। बाकी जो एग्जॉस्ट है ना इसमें भी चेंज नहीं रखा है, क्योंकि बुलेट को ही पहले पकड़ते हैं पुलिस वाले मॉडिफाइड एग्जॉस्ट के लिए, तो वो चीज़ें देख लेना भाई। और इसकी लुक कुछ यूँ है देख सकते हो आप। मेरे को पर्सनली सच बताओ मेरे को स्टैंडर्ड की लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको इसकी लुक अच्छी लगती है स्टैंडर्ड की, इलेक्ट्रा की या क्लासिक की। बाकी जो ऑयल लीकिंग इशू है रॉयल इनफील्ड का मार्किंग स्टेटरी वाला, वो सारी में ही परमानेंट है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो स्टैंडर्ड है ना वो मेरे को बाकी जो स्टैंडर्ड है वो क्लासिक से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। इसकी सीट की थिकनेस भी थोड़ी मोटी है, ठीक है, अच्छी लग रही है यार। साइड बाय साइड आपको हार्ली डेविडसन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सब तो हो गया हमारा क्लासिक स्टैंडर्ड, ठीक है, जो बहुत टाइम चला रहा है। ये कुछ नया आया मार्केट में, ठीक है, हार्ली डेविडसन 440X। एक पहले वाली वीडियो में भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ, ये प्रिटी मच न्यू बाइक ही है अभी भी, ठीक है, और न्यू बाइक मार्केट में भी है। तो इसके बारे में अभी भी इतनी डिटेल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि कितनी रिलायबल है कि नहीं है ये बाइक, इंजन इश्यूज क्या हैं, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग पे ही है राइडर्स के पास। लेकिन इसमें फीचर्स नए नए हैं, चैसी की बिल्ड क्वालिटी मजबूत लग रही है, बाकी तो वक्त ही बताएगा भाई। बाकी आपका गाइस कोई भी सवाल हो रॉयल इनफील्ड के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। हंटर के लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी मेरे पास जो हंटर है उसका लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू पेंडिंग है अभी, तो वो भी मैं बनाने वाला हूँ। इनके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए आप कमेंट्स में लिख दो। तो और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।